नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप गूगल पे यदि आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ अभी कुछ देर पहले हुआ है, मेरा पैसा जो है कट गया, यानी 700 रुपए मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा था किसी के बैंक में। तो दोस्तों क्या हुआ कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया और ट्रांजेक्शन फेल बता दिया, यानी कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। दोस्तों उस हालत में आपको क्या करना है भाई, आपको बहुत जरूरी है जानना ये सब, नहीं तो जो है आपका पैसा अटक भी सकता है, आपको एक्शन बहुत जरूरी है लेना। तो आपको क्या करना है कैसे, तो भाई सिंपल तरीका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका जो पैसा है वो कब से कब तक मिलेगा। भाई कुछ ही मिनट का बात है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये चीजें हर किसी को ये परेशानियां आती रहती है, जितने भाई फोन पे गूगल पे जो भी आप चलाते हैं तो आपको बहुत जरूरी है। तो भाई आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको बहुत जरूरी है उसके बारे में जानना। यदि आपके पास ये जानकारी नहीं रहेगी तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहेगा क्योंकि दोस्तों मेरा 700 रुपया अभी कुछ देर पहले कटा हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहेगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फोन पे एप्लीकेशन के बारे में जो भी है, और जैसे ही मेरा पैसा कटा हुआ है और आपको कैसे मंगाना है, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हुए दिखाते हैं। तो भाई ये देखिए जो है मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया है, यानी कि मेरा फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो गया है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कैसे आपको क्या करना है, तो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो आप लोग बन रहेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है, देखिए यहाँ आपको जाना है, आप लोग देख रहे हैं, देखिए हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ जाना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर आपका आ जाएगा हिस्ट्री, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसे देखिए ट्रांजेक्शन फेल सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 8:51 PM पे, यानी 8:51 पे PM में जो है मेरा पैसा कटा हुआ है 12 जून 2023 को। तो फिलहाल जिन भाइयों को विश्वास नहीं है तो आप लोग यहाँ तारीख और डेट देख सकते हैं। दोस्तों बहुत जरूरी है ये सब जानना, यदि आपके साथ हो जाता है सर तो आपको बहुत जरूरी है आपको जानना, नहीं तो जो है आपका पैसा हो सकता है ना आए। उसके बाद उसे देखिए दिस पेमेंट हैज बीन फेल्ड, दी डिविटेड अमाउंट इज सेफ विथ योर बैंक, इट विल बी क्रेडिटेड बैंक टू योर बैंक अकाउंट विद इन 3 to 5 डे। यानी आपका पैसा इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो है आपका पैसा फेल्ड हो गया है और आपका पैसा सेव है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपका पैसा कट गया है और जो है आपका पैसा 3 से 5 दिन के अंदर जो है आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, इसका मतलब यही है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ मेरा 700 रुपए कट गया है। उसके बाद उसे देखिए नीचे दिखाई दे रहा है कॉन्टेक्ट फोन सपोर्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया उसके बाद देखिए यहाँ लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी में आप देखना चाहते हैं तो हिंदी में सेलेक्ट करके देख सकते हैं। देखिए यदि मैं इंग्लिश में कर दूंगा तो सब कुछ इंग्लिश में आ जाएगा, इसलिए मैं हिंदी मेरा है तो मैं इसको हिंदी ही रहने दूंगा ताकि पढ़ने में अच्छे से पता चले। तो आपको भी ऐसे लैंग्वेज चेंज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए जैसे मैं इस पे आया उसके बाद अपने आप ये सब कुछ बायोडाटा आ चुका था, तो आपने बिल्कुल जैसा कि देख रहे हैं देखिए सब कुछ इसको ओपन करते ही सब कुछ बायोडाटा यहाँ दे दिया था। उसके बाद देखिए आपका 700 का पेमेंट फेल हो गया है क्योंकि आपके बैंक में कोई तकनीकी समस्या है, यानी कि मेरे बैंक में जो है सर्वर प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मेरा पैसा कट गया था। उसके बाद देखिए और क्या लिख रहा है कि आपको इसमें मदद चाहिए, तो हमने कहा हाँ। उसके बाद देखिए पैसा वापस नहीं किया गया, तो मैंने लिखा पैसा नहीं वापस किया गया, तो यहाँ पूरा डिटेल्स में आ गया है, अभी आगे देखेंगे। ये देखिए हमें देख पा रहे हैं कि आपके बैंक ने इस असफल पेमेंट के लिए 700 रिफंड कर दिया है, आपको एक बार अपने अकाउंट को चेक कर लेना है, हो सकता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया हो। तो उसके बाद फिर नीचे लिख रहा है कृपया परेशान ना हो, आपका पैसा सुरक्षित है और जल्द ही आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो भाई जो भी प्रॉब्लम है इसमें बताया गया था कि 3 से 5 दिन तक लग सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, अभी आप लोग को सब कुछ जानना है तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि रिफंड की पुष्टि के लिए 13 जनवरी 2023 से 21:51
के बाद ने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है 24 घंटे के बाद जो है अपना स्टेटस बैंक से देखें कि आपका पैसा आ चुका है या नहीं आया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये देखिए। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी उपयोगी थी। अधिक सहायता के लिए कृपया टिकट नंबर इतना दिया हुआ है का जवाब दें। हमने आपके लिए जनरेट किया है और हमारी सहायता टीम 24 घंटे में जवाब देगी। उसके बाद देखिए, आप इस टिकट देखे के तहत इस स्क्रीन के टॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो है बारी बारी से जो है देख सकते हैं कि हमारा पैसा आया है कि नहीं आया है। 24 घंटे इसमें दे रहा है, यानी कि 24 घंटे के बाद जो है इनकी टीम आपको इन्फॉर्मेशन करेगी क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि आपका पैसा इसके पहले भी आ जाए, 24 घंटे के बाद भी आ सके और पहले भी आ सके, तो भाई एक बार जरूर से जरूर देख लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों, यदि आपका पैसा 24 घंटे के बाद नहीं आता है तो आपको फोन पे कस्टमर केयर नंबर से बात कर लेना है। दोस्तों ये चीजें आपको बहुत जरूरी है करना। तो भाई आपको कुछ भी कहीं से डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, तो मैं रिप्लाई दूंगा। यदि आपको कस्टमर केयर नंबर नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कस्टमर केयर नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जो भी है मैंने आपको बता दिया है, और कमेंट करिएगा जो भी सवाल है। तो वीडियो में इतना ही, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।